नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं प्राइम शतक की। अगस्ता वेस्टलैंड चॉपर घोटाला मामले में पूर्व सीएजी के खिलाफ सीबीआई की सप्लीमेंट्री चार्जशीट पर कोर्ट ने लिया संज्ञान, 28 को पेशी का समन। आंध्र प्रदेश में जगनमोहन रेड्डी के नए मंत्रिमंडल का शपथ ग्रहण, राजभवन में नहीं होगा कार्यक्रम। रामनवमी जुलूस की तस्वीर दिखाती है गंगा जमुनी तहजीब, मुसलमानों ने बांटी 4000 पानी की बोतलें। रामनवमी पर मान खुर्द में उत्पात, 20-25 गाड़ियों में ताबड़तोड़। गृह मंत्री दिलीप वालसे पाटिल बोले, दंगे फैलाने की कोशिश। रामनवमी जुलूस पर बवाल के लिए ओवैसी ने पुलिस को बताया जिम्मेदार, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह बोले, हमारे धर्म में कट्टरता नहीं। रामनवमी जुलूस के दौरान चार राज्यों में भारी उपद्रव, खरगोन में लगी गोली, गुजरात में एक की मौत। जेएनयू विवाद मामले में एफआईआर दर्ज, आमने सामने आए एबीवीपी और लेफ्ट के छात्र। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे बोले, अगर भगवान राम का जन्म नहीं हुआ होता तो बीजेपी कौन सा मुद्दा उठाती। रूस यूक्रेन जंग के बीच राष्ट्रपति जो बाइडेन और पीएम मोदी की बैठक में साउथ एशिया समेत कई मुद्दों पर होगी चर्चा। अबू आजमी का आरोप, मुंबई में कुछ जगह पर मुसलमानों को भड़काने का काम किया जा रहा, सीएम करे कार्रवाई। उत्तर भारत में भीषण गर्मी और लू का कहर, दिल्ली में अलर्ट जारी। भारत में 5 दिन बाद कोरोना के 1000 से कम मामले आए सामने, 24 घंटे में 861 नए केस आए सामने। शिक्षकों के खाली पदों को भरने में अब नहीं होगी देरी, शिक्षा मंत्रालय का उच्च शिक्षण संस्थानों को 31 अगस्त तक पद भरने के निर्देश। पीएम मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन की वर्चुअल बैठक, द्विपक्षीय सहयोग और हिंद प्रशांत के हालिया घटनाक्रम पर चर्चा। असम राइफल्स को मिली बड़ी सफलता, मिजोरम के चंफाई से हथियार किए बरामद। हमीरपुर में गर्भवती पर हुआ अत्याचार, ससुराल वालों ने घर से बाहर निकाला, पुलिस ने महिला को उसकी मां को किया सुपुर्द, उसके मायके भेजा। कानपुर में सीएम योगी ने अफसरों को दिए थे निर्देश, झुग्गी झोपड़ी पर नहीं चलेगा बुलडोजर, लोगों में दौड़ी खुशी की लहर। मथुरा में कपड़े की दुकान में लगी आग, आग से चारों ओर मचा हड़कंप, कड़ी मशक्कत के बाद बुझाई आग। संभल में आईपीएल पर सट्टेबाजी का खुलासा, 5 सट्टेबाजों को पुलिस ने किया गिरफ्तार, मुख्य आरोपी हुआ फरार। फरुखाबाद में आईपीएल सट्टा के ठिकानों पर छापेमारी, नगर पालिका सभासद के घर पर हुई छापेमारी।
लखीमपुर खीरी में जेई से परेशान लाइन मैन ने की आत्महत्या, जिलाधिकारी ने जेई को किया निलंबित। रायबरेली में बेरहमी से किसान की हत्या, खेत की रखवाली कर रहे किसान की हत्या, किसान के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। अब आजम खान भी हुए अखिलेश से नाराज, सपा छोड़ने की कयासबाजी तेज। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का भाजपा में और बढ़ेगा कद, संसदीय बोर्ड में शामिल होने की संभावना। आगरा में सुबह सुबह जूता फैक्ट्री में लगी भीषण आग, जिम और शोरूम भी लिए चपेट में। मेरठ के 8 गांवों में न जमीन बिकेगी और न होगा निर्माण भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू। महंगाई डालने लगी रिश्तों में दरार, पत्नी बोली नहीं चल रहा खर्च, पतियों का कहना कहां से लाऊं पैसा। प्रतापगढ़ में सपा जनसत्ता दल प्रत्याशी समर्थक मतपेटिकाओं की कर रहे रखवाली। यूपीएमएलसी चुनाव में बूथ कैप्चरिंग का आरोप, सपा ने चुनाव आयोग से की फर्जी मतदान की शिकायत। राज्य मंत्री नरेंद्र कश्यप ने बताया 100 दिन का रोड मैप, कई चीजों को देंगे प्राथमिकता। बिजनौर में सड़क हादसे में उत्तराखंड पुलिस के सिपाही सहित 2 लोगों की मौत। गोरखपुर में महंगा होगा आशियाना बनाना, 20 से 50% तक बढ़ने जा रही है जमीन की कीमतें। कोर्ट ने 16 अप्रैल तक बढ़ाई अहमद मुर्तजा अब्बासी की पुलिस कस्टडी। रायबरेली में प्रधान के भाई की हत्या, रात में खेत की रखवाली करने गया था, मुकदमा हुआ दर्ज। बुलंदशहर में देर रात मुठभेड़ के बाद शातिर बदमाश गिरफ्तार, 2 साथी भाग निकले। बक्सर की मजार पर मन्नत मांगना, उत्तर प्रदेश के युवक को पड़ गया भारी, अब पुलिस पर टिकी है नजर। गोरखपुर में उप निबंधक समेत 12 अधिकारियों कर्मचारियों पर भ्रष्टाचार का मुकदमा, 1 गिरफ्तार। कोलकाता में वाराणसी की अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल खिलाड़ी ज्योति की मौत मामले में अनुप्रिया पटेल ने की जांच की मांग। महिला सुरक्षा को लेकर जीआरपी मुरादाबाद की असंवेदनशीलता, शिकायत के बाद भी नहीं दर्ज हुई रिपोर्ट। पोषण वाटिका में उगी हरी सब्जियां खाकर सेहतमंद बनेंगे नौनिहाल, 200 स्कूलों को योजना में शामिल करने की पहल। योगी सरकार 2.0 का पहला बजट मई में लाने की तैयारी, किसान गरीब और रोजगार पर होगा फोकस।
आजम खान के सपा को बाय बाय कहने के संकेत, समर्थकों ने सपा मुखिया अखिलेश यादव के खिलाफ खोला मोर्चा। रामपुर में बाईपास पर भीषण हादसा, आपस में भिड़ंत के बाद आग का गोला बनी तीन ट्रक। यूपी के शहरों को 60 दिनों में चमकाएगी योगी आदित्यनाथ सरकार, 15 अप्रैल से शुरू होगा विशेष अभियान। यूपी पॉलिटेक्निक के अतिथि व्याख्याताओं के हॉल बेहाल, 4 माह से नहीं मिला मानदेय। करण माहरा को उत्तराखंड कांग्रेस की कमान, यशपाल आर्या बने नेता प्रतिपक्ष, हाईकमान ने की 3 पदों पर नियुक्ति। तापमान में अत्यधिक बढ़ोतरी का अलर्ट, उत्तराखंड में 13 से 14 को गर्मी से राहत की उम्मीद। लगातार 5वें दिन नहीं बढ़े दाम, देहरादून में मिल रहा है पेट्रोल डीजल महंगा। सात बार विधायक रहे आर्य की बड़े दल नेता के रूप में है पहचान, विस चुनाव से ठीक पहले की थी कांग्रेस में वापसी। यूनिफॉर्म सिविल कोड पर बोले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, कहा इस दिशा में काम शुरू, जल्द होगा लागू। उत्तराखंड में तूफान से जंगल की आग हुई और विकराल, गांवों को बचाने के लिए डटे रहे ग्रामीण, आग बुझाते हुए वन दरोगा चोटिल। विधानसभा चुनाव नतीजों के 1 महीने बाद कांग्रेस को मिला नया प्रदेश अध्यक्ष, कुमाऊं मंडल के खाते में आए 3 अहम पद। उत्तराखंड में हरीश रावत से मिलने उनके आवास पर पहुंचे कांग्रेस के नव नियुक्त प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा, लिया आशीर्वाद। मुख्यमंत्री से मिले पूर्व नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह, प्रदेश के सर्वांगीण विकास से संबंधित विभिन्न विषयों पर हुई चर्चा। सत्ता के गलियारे से विधानसभा में पहली बार बनी मैडम स्पीकर खंडूरी भूषण, राजनीतिक अनुभव और पृष्ठभूमि के दृष्टिकोण से है काफी समृद्ध। 7 बार विधायक रहे आर की बड़े दलित नेता के रूप में है पहचान, विधानसभा चुनाव से ठीक पहले की थी कांग्रेस में वापसी। सदियों से उत्तराखंड के जंगलों को आग से बचा रहा ये खास झाड़ू आधुनिक उपकरणों को देता है मात। डीएम के निर्देश पर अवैध खनन को लेकर की कार्रवाई, 30 टन ट्रक में भारी थी 54 टन की खनन सामग्री। धोखाधड़ी में कांग्रेस नेता सहित 4 के खिलाफ पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा। सिडकुन की जमीन को अपनी बताकर लिया 1,65,00,000 रुपए का लोन, पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा। पाकिस्तान में आरिफ अलवी राष्ट्रपति पद से नहीं देंगे इस्तीफा, इमरान खान से चर्चा के बाद लिया फैसला। देश भर में विरोध प्रदर्शन की तैयारी कर रही इमरान खान की पार्टी पीटीआई।
पीटीआई के विरोध प्रदर्शन के बीच शहबाज शरीफ चुने जाएंगे देश के 23वें प्रधानमंत्री। राजनाथ और ब्लिंकन के बीच 2+2 की वार्ता रणनीतिक दृष्टि से है काफी अहम। कराची से लाहौर तक पूरे पाकिस्तान में सड़कों पर उतरी इमरान समर्थक सेना के खिलाफ लगा चौकीदार चोर है का नारा। पाकिस्तानी सेना ने इमरान खान की ओर से सेना प्रमुख बाजवा को बर्खास्त करने की खबर को नकारा, कहा बेबुनियाद न्यूज। आर्थिक संकट के बीच श्रीलंका में दवाओं की भारी किल्लत ने बढ़ाई लोगों की मुसीबत, डॉक्टरों ने दी खुली चेतावनी। पाकिस्तान का नया पीएम बनने के बाद शहबाज शरीफ के लिए आसान नहीं है रहा, सामने रहेंगी बड़ी चुनौतियां। पाकिस्तान से बाहर भी पहुंची सियासी लड़ाई, नवाज शरीफ के लंदन स्थित घर के बाहर भिड़े इमरान और नवाज के समर्थक। पाकिस्तान में पीएम पद के नामांकन के दौरान नोकझोंक, पीएमएलएन नेता से शाह महमूद कुरैशी की हुई तीखी बहस। रुचि सोया का नाम बदलकर होगा पतंजलि फूड्स, कंपनी के शेयरों में लगभग 6% का उछाल। बैंक खाते में आने वाले हैं 2000 रुपए, ट्रांसफर हो सकती है किश्त। यूक्रेन ने रूस से आयात पर लगाया प्रतिबंध, कहा दुश्मन के बजट को नहीं देंगे फंड। साल की पहली तिमाही में $10 बिलियन के पार पहुंची स्टार्टअप फंडिंग, 14 नए यूनिकॉर्न बने। क्रिप्टो करेंसी पर कराधान को लेकर एफक्यू पर काम कर रही सरकार, आयकर लगाने के बारे में चीजें होंगी स्पष्ट। इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक की सेवाओं का घर बैठे उठा सकते हैं फायदा, ऑनलाइन बुक करेंगे सर्विस। IRCTC के टूर पैकेज से कर सकते हैं मालवा ज्योतिर्लिंग दर्शन। पेट्रोल डीजल के दाम सोमवार को भी नहीं बढ़े, 105 रुपए पर टिकी है कीमतें। नींबू बनेगा मोटी कमाई का जरिया, मौके पे चौका लगाएंगे आइडियाज। आइनॉन मुक्त व्यापार पोर्ट को विशेष क्षेत्र बनाने की तैयारी। IPL इतिहास में पहली बार बल्लेबाज हुआ रिटायर्ड आउट, बिना विकेट गिरे ही वापस लौटा दिग्गज खिलाड़ी। पृथ्वी शॉ ने अपनी तेज पारी के दम पर तोड़ा IPL में वीरेंद्र सहवाग का बड़ा रिकॉर्ड। RCB के कप्तान डुप्लेसिस ने कहा भविष्य का स्टार बनने की तरफ बढ़ रहा है युवा विकेटकीपर बल्लेबाज।
मैदान में घुसकर आरसीबी के पूर्व कप्तान विराट कोहली को मुक्के मारने वाला गिरफ्तार। क्रिस सिल्वरवुड बने श्रीलंका के नए हेड कोच, अपनी कोचिंग में इंग्लैंड को जिताया था वर्ल्ड कप। कुलदीप यादव ने केकेआर के खिलाफ मचाया तहलका, सोशल मीडिया पर मीम्स वायरल। राजस्थान रॉयल्स ने लखनऊ के खिलाफ रोमांचक मुकाबले में 3 रनों से दर्ज की जीत, तेज गेंदबाज कुलदीप सेन का रहा अहम योगदान। आरसीबी के सलामी बल्लेबाज अनुज रावत ने मुंबई इंडियंस के खिलाफ 47 गेंद पर 66 रन की ताबड़तोड़ पारी खेली। आरसीबी के खिलाड़ी हर्षल पटेल की बहन का निधन, आईपीएल का बायो बबल छोड़ पहुंचे घर। पॉइंट्स टेबल में टीमों का दबदबा, राजस्थान रॉयल्स ने लखनऊ को हराकर पॉइंट्स टेबल में शीर्ष स्थान किया हासिल। केकेआर इस वक्त टेबल में 2 नंबर पर। रणबीर की दुल्हनिया को लेकर नीतू कपूर ने जाहिर की ख्वाहिश, बोली आलिया संग उनका बॉन्ड ऐसा ही हो जैसा उनका और उनकी सास का था। रणबीर संग शादी पर आलिया भट्ट का आया रिएक्शन, दुल्हन की तरह जगमगा उठा आरके स्टूडियो। एक्टर और स्क्रीन राइटर शिव सुब्रमण्यम का निधन, 2 महीने पहले बेटे की भी हुई थी मौत। श्रद्धा आर्या में छिपा है टैलेंट का खजाना, अपने हुनर से लोगों को बना देती हैं दीवाना। सारा अली खान ने भाई इब्राहिम के साथ शेयर किया मस्ती भरा वीडियो, मां ने दिया रिएक्शन। टीवी की बहू के साथ बॉयफ्रेंड करता था गाली गलौज और मारपीट, रिलेशनशिप पर छलका आकांक्षा जुनेजा का दर्द। देश की 2 और सच्ची घटनाओं पर फिल्म बनाएंगे विवेक रंजन अग्निहोत्री, वीडियो शेयर कर किया ऐलान। करीना तैमूर संग लंच डेट पर निकले सैफ अली खान, हुए ट्रोल, लोग बोले रोजा नहीं रखा कैसे मुसलमान हो। भारती सिंह के पीछे हर्ष लिंबाचिया कर रहे हैं सुरभि चंदाना के साथ फ्लर्ट, मिथुन चक्रवर्ती को आया गुस्सा, कहा हाथ छोड़कर बात करिए। केजीएफ चैप्टर 2 की वजह से फिर एक बार टली जर्सी की रिलीज डेट, अब 22 अप्रैल को आएगी शाहिद कपूर की फिल्म। प्राइम शतक में फिलहाल इतना ही, देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।